चलो, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे कल। 1920 तक का आंदोलन पूरा कर लिया था, चौरा चौरी हत्याकांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो जरा पेज नंबर कितना था, 116 पूरा हो गया था। अच्छा हाँ, कार्यक्रम पढ़ना था, ठीक है। 117 पे है। कार्यक्रम क्या था? तुम्हें पंखों की ज़रूरत नहीं है तो चला दो पंखे, क्यों नहीं चलाते? नहीं सलमाने, थोड़ी देर चला दो, फिर अगर लगेगा कि इनको ठंड लग रही है तो बंद कर देंगे। चलो 117 पेज पे आ जाओ। आज हम पढ़ रहे हैं CDM। CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसका विचार था ये? महात्मा गांधी का। कब आया था ये विचार? पहले गांधी जी ने एक झूठी मूठी सी 11 बातें कही थी, जिसे कहते हैं 11 सूत्री कार्यक्रम। गांधी जी को खुद भी पता था मेरी ये बातें मानी नहीं जाएंगी, क्योंकि वायसराय को उन्होंने कहा अपने खर्चे कम करो, हमारा टैक्स आधा करो। ये तो बातें कही थी ना, नमक पे से टैक्स हटा दो और कानून जो ये शराब की चीज़ें हैं ऐसी जिससे आप मोटी कमाई करते हो मत बेचो, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन एक काम करना था, तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे पेश की, और इन 11 सूत्री को नहीं माना उस जमाने के वायसराय ने, जो लॉर्ड थे इरविन। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी पर बदले में हमें पत्थर मिले। बोले अब हमें ना बड़ा कुछ करके दिखाना है। जिस चक्कर में क्या शुरू किया गया? CDM, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और आप सब जानते हैं ये 24 दिन तक पैदल चलने का एक प्रोग्राम था, जिसमें 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये यात्रा थी। रोज़ के कितने मील चले थे? 10। तो ये कायदे से कितने मील हो गए? 240, 390 किलोमीटर। और ये चलने शुरू हुए थे आश्रम साबरमती से, और कहाँ तक गए? दांडी। इसलिए इसे दांडी मार्च कहा जाता है, सारी बातें आपको पता है। इसमें किया क्या? इसमें कहा टैक्स मत दो औरतों को, कहा तुम चली जाओ शराब की दुकानों पर, उनको खुलने ही मत दो, क्योंकि यही तो बातें गांधी जी कह रहे थे। सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी बीच में लंदन में एक बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जिसे नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसी एक गोल टेबल थी अंग्रेजों के पास। जब टेबल गोल होती है तो इसका मतलब है कोई मुखिया नहीं है। आपने देखा होगा ज़्यादातर ऑफिसेज में जब टेबल लगे होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, जिसमें बॉस की कुर्सी एक तरफ होती है, सामने सब एम्प्लॉयज़ होते हैं। देखा है आप लोगों ने मूवीज में, इन सब में देखा होगा। इससे पता चलता है कि जो यहाँ बैठा है वो हेड ऑफ द फैमिली, या मान लीजिए ऑफिस है, इसका मुखिया है, ये यहाँ बैठता है। ये चेयर इंडिकेट करती है कि भाई उस तरफ बैठे हुए आदमी की पावर ज़्यादा है, जो साइड में बैठे हैं कम है। लेकिन जब टेबल राउंड होती है ना, तो आपको नहीं पता कि इसमें कौन हेड ऑफ़ द फैमिली है, क्योंकि इसमें सबकी पोजीशन बराबर मानी जाती है। तो अंग्रेजों ने हमें ये बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए कि तुम्हें हम बराबर का मानते हैं और आ जाओ बैठ के एक मीटिंग करते हैं, नाम दिया राउंड टेबल। जानबूझ के टेबल राउंड पे रखी गई मीटिंग, ताकि हम ये ना फील करें कि हम नीचे हैं और ये ऊपर हैं। तो इसको नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिया गया। 1930 में ये बुलाई गई, लेकिन गांधी जी 1930 में अपना आंदोलन चला रहे थे। कौन सा आंदोलन? तो गांधी जी तो गए नहीं RTC में, RTC को माना गया फेल हो गई। फिर अगले साल फिर RTC रखी गई 1931 में। इस बार जो लॉर्ड थे, वायसराय थे, जो मुखिया थे, जिनका नाम था इरविन, इनके ऊपर बात आई और कहा गया कि भाई इरविन ने कि भाई तुम हेड हो, महारानी ब्रिटेन और संसद ने कहा इनके देश में, तुम्हें कुछ भी करके महात्मा गांधी को भारत से अपना आंदोलन रुकवा के और लंदन भेजना है। अब इरविन, मैंने कल बताया था ना इरविन की पोजीशन नीचे थी अब, और इरविन से गांधी को मिलने के लिए इन्विटेशन मिला कि गांधी जी आप बड़े रिस्पेक्ट के साथ, गांधी जी आपको इरविन बुला रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और क्योंकि इरविन वायसराय है और आपकी राजधानी क्या है? दिल्ली। तो नई दिल्ली राजधानी थी ना 1911 के बाद, तो इसलिए दिल्ली में बैठता था लॉर्ड इरविन, और गांधी रहते थे ज़्यादातर बम्बई की बेल्ट में, गुजरात बम्बई तब एक ही था। तो महात्मा गांधी को वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आना पड़ा, और इस दौरान महात्मा गांधी जब दिल्ली आए तो 1931 की स्टार्टिंग थी। और आपको पता है 31 में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई है 23 मार्च, पता है ना सब लोगों को, मुकर्रर 24 मार्च थी। तो आप ये मान लो कि ये जो टाइम की बात कर रही हूँ, जनवरी फरवरी की बातें हैं। सबको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी फाइनल है, लेकिन एक लास्ट कोशिश एक भीड़ करती है जब गांधी जाके कहाँ उतरते हैं? दिल्ली में। और वो कहते हैं सर आपके हाथ में सारी पावर है, आप इरविन से मिलने जा रहे हो, इरविन आपकी सारी बातें सुनेगा, क्योंकि उसके ऊपर विदेश से कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर है कि उसको आपको बुलवाना है, आप जो मुँह से निकाल दोगे वो बात पूरी होगी। इरविन के बारे में सबको ऐसा लग रहा था। तब गांधी जी ने कहा था कि ठीक है मैं देख लूंगा, लेकिन अंदर जाके गांधी जी ने ये बात कही कि नहीं कही, इस बात का कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। पर अगर हम देखें तो गांधी जी ने जो पहले 11 सूत्री मांगे नहीं उठाई थी, उनमें से बहुत सारी मांगों को अब मान लिया गया। किसने मान ली ये सारी, मतलब बड़ी बड़ी बात है, इरविन ने। इरविन ने कहते हैं 5,000 कैदी रिहा कर दिए थे, वो हमारे राजनीतिक कैदी थे, लेकिन ये 3 लड़के नहीं छोड़े, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, बाकी सब छोड़ दिए गए थे। वही कहानी है। देखो कार्यक्रम क्या था? हाँ बेटा, किसका? 11 सूत्री का। इसमें से पढ़ के ठीक है, पेज नंबर 116 पर जो लिखा है,
रुपए की विनिमय दर, इसका मतलब था उस जमाने में ना आपके रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। जैसे आज हमारे रुपए की कीमत ज्यादा है या कम है? कम है ना भाई। हमारा तो ये लगा लो उनका एक डॉलर या एक जो वहाँ पाउंड स्टर्लिंग जो भी चलता है उनका वो, और हमारे 60 रुपए 65 रुपए 80 रुपए 85 रुपए तक यूरो में चलते हैं। उस जमाने में ना हमारे और उनके पैसों की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं था। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम था जब आपके पैसे की वैल्यू ज्यादा ज्यादा अच्छी मानी जाती थी, तो आपकी दुनिया में कीमत थी आपके रुपए की। तो तब ये बात उठ रही थी कि भाई रुपए और इसकी कीमत में बहुत ज्यादा चेंज ना किया जाए। ये जो आज आपके पैसे की वैल्यू है ना, तब इतना बुरा हाल नहीं था। जैसे आज आपके तो 60 70 80 रुपए और उनका एक बराबर माना जाता है ना, ये कहलाती है हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी। पता होगा ये आप लोगों को, हार्ड करेंसी क्या होती है? जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा, पूरी दुनिया का हर देश चाहता है कि मेरे पास डॉलर्स की भरमार हो, पाउंड स्टर्लिंग की भरमार हो, या जापान की करेंसी, चाइना की करेंसी। लेकिन कोई सोचो नेपाल की करेंसी को इकट्ठी करना चाहता है क्या? नहीं। ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई भरपूर हो सकती है, इसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। ये आपको इकोनॉमिक्स में सर कराएंगे भी, लेकिन मोटे तौर पर बता रही हूँ। हार्ड करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है और जिस देश के पास दूसरे देशों की हार्ड करेंसी मानी जाती है अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। जैसे कोई अमेरिका से घूमने आया आपके यहाँ, कोई रशिया से घूमने आया, तो वो अपनी करेंसी लेके आएगा ना, फिर यहाँ एक्सचेंज कराएगा। तो आपके यहाँ की वैल्यू अगर है आपके देश की, तो आपके यहाँ हार्ड करेंसी का फ्लो होगा। अगर नहीं है तो कौन यहाँ आएगा? फिर आपके यहाँ वो करेंसी होगी भी नहीं। तो एक जमाना था जब हमारे पैसों की कीमत उनके पैसों के या तो बराबर या हमारी ऊपर हुआ करती थी। उससे जुड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। चलो 117 पर देखो कार्यक्रम क्या था, क्या किया गांधी जी ने। नमक कानून और ब्रिटिश कानूनों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करना, गलत कानून को नहीं मानेंगे, ये बात थी। अगला, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी समारोह इत्यादि का बहिष्कार करना। ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था ना 1920 में, जब क्या चलाया था? असहयोग। तो सेम ही तो बातें थी, लेकिन तब टैक्स देते थे, अब टैक्स नहीं देंगे। अगला पढ़ो, भू राजस्व और लगान और अन्य करों की अदायगी ना करना है। इसको डबल टिक कर लो। इस बार हमें समझ में आ गया था कि अंग्रेजों को हमारी भूख हड़ताल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको टैक्स मिलता रहे, इनका टैक्स रुकेगा तो अपने आप सीधे हो जाएंगे ये। इस बार टैक्स रोकने की बात किसने उठाई? महात्मा गांधी। बाकी सब सेम था पुराने वाला। आगे पढ़ लेंगे, शराब और अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों की होली जलाना, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। सब कुछ सेम था, बस एक पॉइंट क्या एक्स्ट्रा है, टैक्स नहीं देंगे। और टैक्स नहीं देंगे तो किसकी इनकम रुक गई? सरकार की। आज भी अगर देखें आम जनता सबसे बड़े रूप में क्या पे करती है? टैक्स। क्योंकि जो तुम जीएसटी देते हो वो तो हर चीज़ पे देते हो ना, वो तो जूते पे, कपड़े पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है। आपकी सरकार को या किसी भी देश की सरकार की कमाई का साधन टैक्स ही तो होता है, और सरकार कहाँ से पैसा कमाती है? अगर सरकार का टैक्स रुक गया तो सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। आपको याद है जब ये पेंडेमिक पहली बार लगा बड़े भयानक तरीके से, तब हमारी ग्रोथ रेट या तो चल रही थी अच्छी या फिर माइनस में गई थी, -2.5%। मतलब ये था प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गया। जब प्रोडक्शन जीरो था, अगर आपको याद आता हो, सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी, सारे मजदूर भगा दिए गए थे, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। कब टैक्स देता है आदमी? जब कुछ प्रोडक्शन होगा। अब जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, जिसके जूते नहीं बन रहे, कपड़े नहीं बन रहे, जिसकी मिल नहीं चल रही, वो सरकार को किसी भी फॉर्म में टैक्स दे ही नहीं पाएगा। और पहले लॉकडाउन में तो हमें याद है कि सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ, हर चीज। ये जो जितने खाने पीने के सामान है, इनके अलावा मार्केट में कुछ चल थोड़ी ना रहा था उस साल में। देखो ना तो कोई यूनिफॉर्म बनी स्कूलों की, ना कोई वाटर बॉटल, ना कोई स्कूलों के बैग बने, ना जूते चप्पल, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब ये सब नहीं हुआ तो सरकार का क्या रुक गया था? टैक्स। सरकार कभी नहीं चाहती उसका टैक्स रुके, इसलिए धीरे धीरे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रमोट करनी पड़ती है नीतियां। अब सरकार का टैक्स हमने गांधी जी के कहने पर रोक दिया, तो अब सरकार गुस्से में आएगी। देखो क्या हुआ, आंदोलन की प्रगति। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में एक लोकल लीडर थे, लेकिन बाद में नेशनल लेवल के बने, सी राजगोपालाचारी। टिक कर लो ये, सी राजगोपालाचारी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। और ये क्यों बड़ा नाम है? क्योंकि जब भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया 1954, इसको ध्यान से सुनना, इंडिया में फर्स्ट भारत रत्न कब दिया गया था? हाँ, इससे पहले कभी भारत रत्न नहीं मिला। इसी साल पद्म पुरस्कार स्टार्ट हुए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पहले सुन लो, लिख बाद में लेना, सुन लोगे समझ लोगे तो लिखा हुआ याद भी रहेगा। 1954 में आपके देश में फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया। इस टाइम आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीन लोगों को भारत रत्न के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। उन तीनों का नाम बोला गया राष्ट्रपति भवन में। इसमें सबसे पहला नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसकी याद में आप टीचर्स डे भी मनाते हो। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, इन्हीं का नाम था राजगोपालाचारी। और तीसरे का नाम क्या था, एक और इसी तरह का नाम था, हाँ वेरी गुड, सी वी रमन। अब ये हैं कौन? राधाकृष्णन तो आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति थे आपके 52 से 62 के बीच में, बहुत बड़े जाने माने अध्यापक थे, टीचर थे। सी राजगोपालाचारी एक लोकल लेवल पे पहले छोटे लीडर थे, बाद में फिर देश में जाना माना बड़ा नाम था, नेता थे। और सी वी रमन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे,
इन्होंने ही तो रमन इफेक्ट दिया था ना, रमन प्रभाव फिजिक्स का। इनकी याद में तुम अभी अभी एक दिन गया था 28 फरवरी, क्या मनाया हमने? साइंस डे। इस दिन बहुत सारे स्कूलों में साइंस से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन लगता है, जिसमें साइंस के मॉडल्स बना बना के बच्चे लाते हैं और बड़े लेवल पे फिर उनमें प्रतियोगिताएं होती हैं कि किस स्कूल का मॉडल सबसे बढ़िया है। तो ये साइंस डे पर लगता है। और साइंस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ, इसी दिन को कहते हैं रमन प्रभाव दिवस, रमन इफेक्ट डे। सी वी रमन ने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया और इतने ब्राइट थे, इतने ब्रिलियंट थे कि आज़ादी से पहले 1930 में इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, जिसे आप कहते हैं नोबेल प्राइज, ये मिल चुका था। जैसे एक तो 1913 में मिला था, आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने लिखवाया हुआ है, एक 30 में मिला था नोबेल प्राइज। ये फिजिक्स का पहला नोबेल था, जो सबसे पहले मिला वो लिटरेचर का था, वो किताब का था, ये फिजिक्स का पहला नोबेल है। ऐसे अलग अलग फील्ड आ जाते हैं, मेडिसिन का किसको मिला, फिजिक्स का किसको मिला, पीस का किसको मिला, तो पहला फिजिक्स का नोबेल उठाने वाला आदमी कौन है? इनका कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है? 28 फरवरी साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। फिजिक्स में एक इफेक्ट, एक प्रभाव है, उसका नाम है रमन इफेक्ट इनके नाम पर। राजगोपालाचारी आपके लीडर हैं, नेशनल लेवल के लीडर बन गए थे सी राजगोपालाचारी। गांधी जी के खास आदमियों में राजगोपालाचारी जी का भी नाम था। और एस राधाकृष्णन तो ग्रेट थे ही, क्योंकि ये एक टीचर भी थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटीज के लिए काम किया, और उसके बाद फिर ये भारत में 10 साल तक क्या रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 5 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीन बड़े चेहरे हैं जिन्हें देश का पहला भारत रत्न एक साथ मिला था 1954 में, और दिया किसके हाथों गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राष्ट्रपति ही दे सकता है ये वाला। आ गया समझ में? ये तीन के नाम यहां लिख लो, राजगोपालाचारी आया ना, इसी पेज पे ऊपर लिख लो, लिखो 1954 फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता, क्योंकि एक से तीन नाम याद हो जाएंगे। 1954 फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता, 1954 तीनों के नाम लिख लो। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर लगा लेना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनकी खास बात 10 साल VPOI वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 5 साल POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट में जरूर लिख लेना, क्योंकि 2 महीने बाद ये पॉइंट याद नहीं आएंगे, लिखे होंगे तो याद आ जाएंगे। 10 साल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, 5 साल राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। सेकेंड नंबर पर लिखना सी राजगोपालाचारी, देश के बड़े नेता थे, गांधी के साथ काम किया था। ठीक है, और तीसरा सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम था इनका, सी वी रमन का। 28 फरवरी को साइंस डे, रमन इफेक्ट दिया था फिजिक्स में, ये लिख लेना, फिजिक्स का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल। ये देखो फिजिक्स तुम्हें पढ़ना ही कितना मुश्किल दिखता है, 90% लोगों को तो इंडिया में फिजिक्स टफ लगता है। इस आदमी ने फिजिक्स में इतना बड़ा काम किया कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला फिजिक्स के फील्ड में, नोबेल। नोबेल किस सन में पहली बार दिया गया था? नहीं, पहली बार 1901 में, हमें 13 में मिला, स्टार्ट तो 1901 से था। मैंने नोबेल की कहानी सुनाई होगी तुम्हें कभी, कैसे नोबेल एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था भाई मुझे अच्छे ढंग से जाना जाए, तब वो शुरू हुए थे। लिख लिए तीनों पॉइंट। तो तीन भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? पहला आपका उपराष्ट्रपति था, कौन था? राधाकृष्णन। कितने साल उपराष्ट्रपति रहे? 10 साल। फिर 5 साल राष्ट्रपति रहे, टीचर थे बहुत बड़े, टीचर्स डे मनाते हो। दूसरा किसको मिला, मतलब पहले बार में ही? सेकंड आदमी कौन था? हाँ, सी राजगोपालाचारी, बड़े लेवल के लीडर थे। और तीसरा कौन था? सी वी रमन। रमन ने क्या दिया? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। कौन सा डे है? 28 फरवरी। क्या मनाते हैं? साइंस डे। क्या प्राइज लेकर आए इंडिया में? तो आज़ादी से पहले मिला है 2 इंडियंस को नोबेल। सोचो आज़ादी तक तो हम बिल्कुल अनपढ़ टाइप थे, हम ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, तब भी आपके देश में 2 लोग आज़ादी से पहले नोबेल ले आए। कौन लोग थे ये? टैगोर और रमन। टैगोर को मिला था लिटरेचर के फील्ड में 1913 गीतांजलि, और इनको मिला है फिजिक्स के फील्ड में 1930 में। क्लियर सबको ये? ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ेंगे बुक में। तो गांधीवादी एक बड़े नेता थे सी राजगोपालाचारी, इनको क्या मिलेगा आगे जाके? भारत रत्न, जब तुम पढ़ाओ। इन्होंने भी एक यात्रा की थी, नमक यात्रा, जगह नहीं पूछेंगे, बस टिक कर लें तीसरी लाइन में, नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। तो पूछ लेंगे दक्षिण भारत में नमक यात्रा को लीड किसने किया? सी राजगोपालाचारी। जैसे पश्चिमी भारत में किसने लीड किया? गांधी जी ने। पश्चिम मतलब गुजरात ना, कहां से कहां? साबरमती से दांडी। ऐसे कहेंगे दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का श्रेय किसको जाएगा? सी राजगोपालाचारी। कितने बड़े आदमी थे, इनको भारत रत्न भी मिला आगे जाके। आगे पढ़ना, एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला पॉइंट बहुत काम का है। जैसे ना एक आदमी देश को लीड करता है लेकिन सब जगह वो जा नहीं सकता, इसको थोड़ा सुन लो। तो गांधी जी के बहुत ज़्यादा जैसे नक्शे कदम पे चलने वाले लोग जगह जगह हुए भारत में। गांधी मेन किस बेल्ट में रहा करते थे? ये उस टाइम इस बेल्ट का नाम क्या था? बम्बई। आज का पूरा गुजरात, आज का पूरा महाराष्ट्र, आज के गोवा तक की बेल्ट का नाम तब बम्बई था।
1960 में जाके इस बंबई के टुकड़े अलग अलग हुए और उनमें से फिर स्टेट बना गुजरात और महाराष्ट्र। उनसे पहले ये सारा बंबई था। 1960 में जाके कटा ये, जैसे पंजाब और हरियाणा एक जमाने में एक था ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे ये अलग अलग हुआ 1960 के बाद। तो गांधी इस बेल्ट में ज्यादा एक्टिव थे क्योंकि यहीं पैदा हुए थे, गुजराती तो बोलते थे, गुजरात के इलाके में पैदा हुए थे। अब गांधी जी बार बार मद्रास नहीं जा सकते, तो साउथ की बेल्ट में अभी आप पढ़ रहे थे, कौन काम कर रहा था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसी टाइम पर पाकिस्तान भी तो भारत था, यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक्टिव था एक आदमी उस जमाने के भारत में, ये अफगानिस्तान में पैदा हुआ था और ये काम कर रहा था पाकिस्तान यानी भारत की उस बेल्ट के लिए। ये क्योंकि सीमा थी हमारी अंत, इसके बाद अफगानिस्तान अलग देश था, तो इसको किसी ने कहा भैया तू तो सीमांत गांधी है, यानी सीमा के अंत पे बैठा, तू गांधी का बड़ा खास चेला या बहुत खास शिष्य है। तो इस आदमी का नाम पड़ गया सीमांत गांधी। इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है फ्रंटियर गांधी, इसी को कह देते हैं सरहदी गांधी, सरहद पे बैठा था ना ये, तो सरहदी गांधी। ये आदमी बहुत महान था, विदेशी है। अब देखें तो भाई ये पाकिस्तान के तरफ चले गए, लेकिन पता है इन्होंने क्या कहा? जब पाकिस्तान के बंटवारे की बात उठी ना, तो इन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान बटे या पाकिस्तान अलग हो, हम सब इंडियन हैं और हमें इंडिया में रहना चाहिए। ये बात इस आदमी की, ये बोली हुई बात वहाँ के लोगों को रास नहीं आई और बहुत सारे लोग इसकी जान के दुश्मन बन गए। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान तो अलग हो ही गए, इसका जो हिस्सा था जहाँ ये एक्टिव था ना, वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तब इन्होंने गांधी जी को कहा था कि गांधी जी आपने ये बंटवारे के ऊपर मोहर लगा के हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया और हमने आप पे पूरा विश्वास किया, लेकिन आपने हमारे साथ चीटिंग की। ये बात किसने कही थी? सीमांत गांधी। इसका असली नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बहुत बड़े लीडर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ध्यान से सुनो, ये इतने महान थे कि देश से अलग होना ही नहीं चाहते थे, पर जब सारी प्रॉपर्टी वहाँ चली गई तो लोगों ने बड़ा बेइज्जत किया इनको और इनको जो जगह मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं मिल पाई। इन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनी बेल्ट में भी चलाया और वहाँ इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया लाल कुर्ती रेड शर्ट्स। ये एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। जब इनकी डेथ हुई तो मरने से पहले इन्होंने अंतिम इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ मरने के बाद मुझे अफगानिस्तान में जगह मिले, मतलब मुझे वहाँ दफना देना। तो इस आदमी ने तीन देशों में काम कर लिया, भारत के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी के बाद, और फिर दफन कहाँ हुए? अफगानिस्तान। इनकी महानता के चलते हमने इनको इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया जिसे आप कहते हैं भारत रत्न। आज तक आपने सिर्फ दो विदेशियों को दिया है, बाकी सब इंडियंस को मिला। एक नेल्सन मंडेला थे जो साउथ अफ्रीका के 27 साल जेल में रहे थे, आप सबको मैंने कभी ना कभी नाम बताया होगा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा। और एक सर या खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में ये पहला विदेशी है जिसको आपने भारत रत्न दिया, और दूसरा विदेशी 1990 में है नेल्सन मंडेला, बाकी तीसरा आज तक कोई विदेशी नहीं है जिसको आपने अपने देश का भारत रत्न दिया हो। ये बातें समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब पढ़ो इनके बारे में, कौन है ये आदमी। लिखा है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर का मतलब पाकिस्तान की बेल्ट। सीमा प्रांत के मुसलमानों ने, अंडरलाइन करना, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार, इसी को रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लो। खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, इस मूवमेंट के सभी लोग हमेशा लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लाल कुर्ती आंदोलन या संगठन, ठीक है। आगे पढ़ लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। एक लड़की थी 13 साल की नागालैंड की तरफ, उसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो उसको वो भी बड़ी फेमस हो गई थी उस जमाने में, 13 साल की एक बच्ची। अगला पॉइंट देखो उसी का है, पूर्वोत्तर में 13 वर्षीय युवा नागा महिला गॉडिनेल्यू, ये टिक कर लो गॉडिनेल्यू, इसने भी नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गॉडिनेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। कहाँ की थी ये बच्ची? नागालैंड। नागालैंड कब स्टेट बना था आपका? 1963 में। नागा के पास लिख लो, नागालैंड राज्य बना 1963 में, ये तो उससे पुरानी बात है। नेहरू ने कहा था ये बच्ची जो है ना ये रानी है। सोचो 13 साल की एक बच्ची ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, किस इलाके की थी ये? नागालैंड। और क्या नाम था इनका? गॉडिनेल्यू, 13 साल की बच्ची, 1987 में। ऊपर दो पॉइंट लिखो, पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता, इसी पेज पे ऊपर लिख लेना, फर्स्ट विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता, सामने लिखना खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी कहानी तुम सुन रहे थे लाल कुर्ती वाले, 1987 यही लिखो। दूसरा विदेशी नेल्सन मंडेला। मंडेला कहाँ के हैं? किताब का नाम बोलो उनकी का, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जरूर लिख लेना,
बहुत कॉमन आने वाला क्वेश्चन है ये, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी किताब है ये? नेल्सन मंडेला। 27 साल इस आदमी ने अपनी लाइफ के, जवान था जब, तब जेल में काट दिए, 27 साल जेल में रहे नेल्सन मंडेला। इनको आपने क्या दिया अपने यहाँ? भारत रत्न। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे ना साउथ अफ्रीका के, इनसे पहले सब गोरे ही बने थे। चलो 1990 में, तो दो बार आपने दिया विदेशियों को, कब कब? 1987 और 1990। 87 में किसको दिया? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ दफन हुए ये? अफगानिस्तान। चाहते थे भारत में रहें लेकिन कहाँ जाना पड़ा? पाकिस्तान में। चलो दमन चक्र पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1930 को कांग्रेस और उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए नेहरू और गांधी को गिरफ्तार कर लिया। टिक कर लो ये, नेहरू और गांधी जेल में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, इस आंदोलन का के दौरान सरकार का दमन चक्र सबसे भयानक रूप धरासना में, 25,000 लोगों पे लाठीचार्ज और गोलियां बरसाई थी। धरासना एक जगह थी। अगला पॉइंट टिक करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारों स्त्रियों ने अपने घर की चार दीवारी को लांघकर सड़क पर आकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया और गिरफ्तार होकर जेल भी गई। यहाँ लिखो, औरतें पहली बार इतने बड़े स्तर पे आंदोलन में आई। पहले औरतें इतनी एक्टिव नहीं थी, 30 में एक्टिव हो गई। औरतें पहली बार इतने बड़े स्तर पर आंदोलन में उतरी। चलो इसके बाद आ जाओ, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इरविन कौन थे आपके? वायसराय ना। चलो पहला पॉइंट देखो, जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था उसी समय वायसराय इरविन ने गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने की पहल कर महात्मा गांधी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। ये खुशी से बुलाया या प्रेशर था? अगला पॉइंट पढ़ो, गांधी और इरविन के बीच चली लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को, और फांसी कब हुई लड़कों को? 20 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ। मुख्य शर्तें पढ़ लो। पहला पॉइंट, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार। आज मुझे अपनी तबीयत में गड़बड़ लग रही है भाई, इसको आज नहीं पढ़ाती, इसको कल कराऊंगी। अगली क्लास जिसकी है ना उनको बुला देना।